दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में। जैसे कि आज की वीडियो के मार्केट आपने देखा होगा और यहाँ पे एनालिसिस किया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स कामकाज कर रहे थे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। जहाँ पे निफ्टी इंडेक्स जो है ये 111 पॉइंट के पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने में दिखाई दिया है, वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने 84 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ यहाँ पे इंडेक्स ये बंद होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब दोनों इंडेक्स में यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आने वाले समय में मतलब कि जब मार्केट ट्यूसडे के दिन ओपन होगा तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या आ सकते हैं, किन लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए ताकि हम यहाँ से शानदार तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही व्यू होता है कि अगर मान लो कि निफ्टी पॉजिटिव व्यू में काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, या बैंक निफ्टी में माइनस में चल रहा है तो वो सोचेंगे कि ये निफ्टी भी माइनस में जाएंगे, इसे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि नुकसान हो जाता है और इस नुकसान से बचने के लिए हमारे सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम जो है आपके लिए लेके आते हैं और आपको बताते हैं, इसलिए आपको एक भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहिए और आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि आपको हर एक अपडेट मिलती है हमारे चैनल पर। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाले हैं, तो इसके लिए फटाफट हम एनजीवन एप्लीकेशन पे आते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एनजीवन एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं है तो मैंने फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एनजीवन के साथ अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काम करना काफ़ी ईजी काफ़ी आसान होता है, हम एनजीवन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिला है एनजीवन एप्लीकेशन पे कि जो निफ्टी इंडेक्स है ये पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, वहीं पे बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है माइनस नोट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि निफ्टी में आने वाले समय में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे निफ्टी के ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो कंपनीज है वो कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे लग जाती है, आप इन कंपनीज को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज का डेटा पॉजिटिव है तो निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिलेंगी और मैक्सिमम कंपनी का डेटा यहाँ पे नेगेटिव है तो निफ्टी में स्वाभाविक सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे नीचे साइड में आपको एक चार्ट का एक ऑप्शन चेंज देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट पे निफ्टी कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लग जाता है। अब निफ्टी का जो चार्ट लग रहा है तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो क्लोज होने के बाद यहाँ पे मुझे जो चार्ट की टाइमिंग है ये वन डे की करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे अगले दिन का लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें डेली टाइम फ्रेम पे इसका प्रेडिक्शन करना होता है। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्शन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स को लगा के रखा है जिससे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि निफ्टी का जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंडिकेटर मैं बताने जा रहा हूँ इसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि मैं किस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इस इंडिकेटर का नाम है ALMA इंडिकेटर। ये ALMA इंडिकेटर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर इस इंडिकेटर के ऊपर निफ्टी का प्राइस हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है तो ये माना जाएगा कि निफ्टी में हमें पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिलेगा, और अगर इसके नीचे निफ्टी काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि निफ्टी में डाउनफॉल आ सकता है, निफ्टी नीचे जा सकता है। और आज जो इसने कारोबार किया इसी इंडिकेटर के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया है, उसके ऊपर हमें देखने को मिला। और इसके साथ अगर एक पीछे साइड में हम आते हैं कल के जो क्लोजिंग देखने को मिली थी यहाँ पे हमें एक हैमर पैटर्न इन्फॉर्म होते हुए नजर आया था, और जैसे हैमर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला तो हमें यहाँ पे निफ्टी में तेजी देखने को मिली। तो मतलब कि जो निफ्टी में मूवमेंट आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसके लिए एनजीवन एप्लीकेशन में टूल ऑप्शन की मदद लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टूल ऑप्शन की मदद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूँ और जो निफ्टी का हाई का पॉइंट था इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ, जो कि यह 18,335 पे देखने को मिलता है। अब अगर निफ्टी 18,335 के लेवल को कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड कर लेता है, मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल होल्ड हो जाता है, तो निफ्टी में जो अगला मूव हमें देखने को मिलेगा ये 18,400 का इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 18,400 का लेवल हमें दिखा सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है जो 18,460 का, यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिलेंगी। और अगर ये लेवल भी पार होता है तो निफ्टी में हमें जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है जो 18,520 पे बना हुआ है यहाँ पे हमें यह डेटा जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल के ऊपर आपको विशेष तौर पर नज़र रखनी चाहिए, इन लेवल के ऊपर आपको नज़र ध्यान देना चाहिए। अब निफ्टी में गिरावट की बात आती है तो गिरावट कहाँ से आ सकती है, अगर निफ्टी
निफ्टी जो आज का हाई पॉइंट है इसको होल्ड नहीं करता, इसको ब्रेक नहीं करता, तो निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और निफ्टी जो है एलएम इंडिकेटर जो इस समय 18,210 के आसपास बना हुआ है, यहाँ तक कि निफ्टी स्लिप हो सकता है, यहाँ तक कि निफ्टी में डाउनफॉल आ सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो निफ्टी में 18,150 से लेकर 18,100 तक के सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। साथ ही एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल का मूव देखने को मिल रहा है। अगर यह पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है तो निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर ऑप्शन चेन का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन चेन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन निफ्टी की लग जाती है। और निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली है ये 25 मई की होने वाली है, तो 25 मई के हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो इस समय रेजिस्टेंस बना हुआ है ये 18,300 का बना हुआ है। और इसके साथ अगला रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,200 का यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे तो नीचे के लेवल हो गए, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पोजीशन बनते हुए आ रही है, मतलब कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,400 का देखने को मिलता है। और 18,500 का सबसे बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर निफ्टी में तेजी बनती है तो 18,400 से लेकर 18,500 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन लेवल के निफ्टी में हमें मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए हम चुनते हैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को। मतलब कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पुट में पोजीशन बनाते हैं, पुट को बाय करते हैं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है 18,300 का स्ट्राइक प्राइस काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर निफ्टी गिरता है तो 18,300 के स्ट्राइक प्राइस तक आ सकता है। और अगर इसके नीचे भी स्लिप होता है तो 18,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 134 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है 18,200 का लेवल। यहाँ तक ये निफ्टी में हमें गिरावट आ सकती है। और अगर गिरावट तेजी होती है, तेज गिरावट आती है, तो 18,000 का लेवल भी यहाँ पे रिस्क के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 113 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन लेवल के ऊपर आपको विशेष तौर पर नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में किस लेवल के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमें थोड़ा डेटा को पीछे आना होता है। और आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा, इस बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लग जाता है। पहले तो बैंक निफ्टी में स्टॉक की लिस्ट आती है कि बैंक निफ्टी को जो लीडरशिप प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनके बारे में जानकारी आती है। नीचे हमें चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट लग जाता है। आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो कल का जो क्लोज था, मतलब कि कल के क्लोज से मतलब है हमारा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का क्लोज, तो उसके इक्वली आज इसने हाई बनाया है। तो जो कल का हाई पॉइंट था वह इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर बैंक निफ्टी कल के लेवल को होल्ड ब्रेक कर देता है, मतलब कि जो 44,000 का इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर 44,100 से लेके 44,200 तक के अपसाइड के एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। और मैं इस बात करें तो यहाँ पे 44,300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है। यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी में मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जो आज का हाई पॉइंट है या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का हाई पॉइंट है, अगर ये ब्रेक नहीं करता है और इसके नीचे रहता है डेटा, तो बैंक निफ्टी में हमें जो अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा तो वो 43,830 का देखने को मिलेगा, क्योंकि एलएम इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से रिस्क बनते हुए नजर आएंगी। और यहाँ से जो रिस्क खुलेंगी ये 43,550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो 43,380 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड बना हुआ है। यह लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, तो इस लेवल पर हमें विशेष तौर पर नज़र रखनी चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर मान लो कि 43,300 का लेवल एक रिस्क के रूप में ब्रेक हो जाता है, नीचे स्लिप होता है, तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये आता है 43,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है। यहाँ तक कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स स्लिप हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। साथ ही एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें एक माइनस क्रॉसओवर डाउन साइड में देखने को मिला है, तो ये लेवल के ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं, अगर लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, मार्केट पॉजिटिव साइड में मूव कर सकता है, तो इस समय में अगर हम पोजीशन लेना चाहते हैं तो 43,900 का स्ट्राइक प्राइस
अच्छा दिखता है। 43,800 से लेके 43,700 के स्ट्राइक पर अच्छे लगते हैं। ये कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, और अगर लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखना चाहते हैं तो 43,900 का पुट ऑप्शन और ऊपर साइड में देखिए तो 43,800 का पुट ऑप्शन अच्छे लगते हैं। इन स्ट्राइक प्राइस के साथ हम जा सकते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे लगता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, मार्केट निगेटिव आ सकता है, इस कंडीशन में मुझे पोजीशन लेना चाहिए, तो मैं जो 44,000 का स्ट्राइक प्राइस है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मैं यहाँ से अपनी पोजीशन लेने लूँगा। जो 286 पे इस पर क्लिक करूँगा, इसके LTB पे बाय ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट मेंशन करूँगा। मुझे एक लॉट में पोजीशन बनानी है, एक लॉट में बैंक निफ्टी की 25 क्वांटिटीज आती है। करंट प्रीमियम के साथ जो मुझे मार्जिन लगेगा ये 7,172.50 लगेगा। चार्जेस भी मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ और यहाँ बाय ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और अपने ऑर्डर को कंफर्म करूँगा। दोस्तों अभी जो मार्केट है ये बंद हो चुका है, इससे हमारा जो ऑर्डर है ये आफ्टर मार्केट लगेगा। इसके लिए मुझे यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, मैं यस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मेरा ऑर्डर यहाँ पर लग जाता है। अगले दिन जैसे मार्केट ओपन होगा और ये प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका P&L मुझे इंस्टाटेड पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान हो जाता है AngelOne एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट AngelOne में ओपन नहीं किया है तो आज ही आप अपना डिमेट अकाउंट AngelOne के साथ ओपन कीजिए। अगर आप मेरे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका 1 ईयर का एंट्री चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो देर ना करें, आज अपना डिमेट अकाउंट AngelOne के साथ ओपन करें और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले टेक्निकल एनालिसिस में नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।